नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं नेहा। दिल्ली हाई कोर्ट से कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को बड़ा झटका लगा है। आईएनएक्स मीडिया केस में हाई कोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री के 3 दिन की मोहलत को भी खारिज कर दिया है। चिदंबरम ने अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट से 3 दिन की मोहलत मांगी थी। अग्रिम जमानत याचिका और 3 दिन की मोहलत खारिज होने के बाद अब ईडी और सीबीआई जल्द ही चिदंबरम को गिरफ्तार करना चाहती है। पी चिदंबरम दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने सबसे पहले कोर्ट यानी कि सीजीआई के समक्ष मामले को मेंशन करना चाहा, लेकिन तब तक कोर्ट उठ चुकी थी। अब मामले को सूचीबद्ध करने के लिए कपिल सिब्बल को ज्वाइंट रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ रहा है। पी चिदंबरम पे आईएनएक्स मीडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से गैर कानूनी रूप से स्वीकृत दिलाने और 305 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। इस केस में अभी तक चिदंबरम को कोर्ट से करीब 2 दर्जन बार अंतरिम प्रोटेक्शन यानी कि गिरफ्तारी पर रोक की राहत मिली हुई है। ये मामला 2007 का है, जब पी चिदंबरम वित्त मंत्री के पद पे थे। उन पर आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से गैर कानूनी रूप से स्वीकृत दिलाने के लिए 305 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। इस मामले में सीबीआई और ईडी पहले ही चिदंबरम के बेटे यानी कि कार्तिक चिदंबरम को गिरफ्तार कर चुकी है। वो फिलहाल जमानत पे है। इस मामले में अहम मोड़ तब आया जब इंद्राणी मुखर्जी 4 जुलाई को सरकारी गवाह बन गई थी। 2017 में सीबीआई ने इस मामले में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से मिली स्वीकृति में गड़बड़ी पर एफआईआर दर्ज की, जबकि ईडी ने 2018 में ये माना कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। इस मामले में आईएनएक्स मीडिया की मालकिन और आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को इस केस में अप्रूवर बनाया गया। इसी साल उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया गया। सीबीआई के मुताबिक मुखर्जी ने गवाही दी कि उसने कार्तिक चिदंबरम को 10 लाख रुपए दिए थे। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स खबरों के लिए आप जुड़े रहे सिटी पोस्ट के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं साउथ केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। साउथ केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।